नमस्कार, मैं आयुष तिवारी। बी 24 तास की खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। कभी किसी की बहन, कभी किसी की बेटी, कभी किसी की माँ, तो कभी किसी की दोस्त। रूप अनेक है लेकिन रिश्ते एक है, और वो रिश्ता है मान सम्मान का। हर साल, हर महीने, हर दिन, हर घंटे, हर पल हमारे देश में किसी की बेटी, किसी की माँ की इज्जत लूटी जाती है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है और उसकी नज़रों में उसे शर्मिंदा किया जाता है, उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, उसे खुदकुशी के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ हैवान दरिंदे बलात्कार के बाद महिला की जान ले लेते हैं। इन्हीं दरिंदों की मानसिक स्थिति और हैवानियत वाले रूप हमारे सामने दिन रात आते रहते हैं। इस गंभीर विषय पर हम एक मुलाकात करने वाले हैं महिला सुरक्षा समिति की ओर से आई पूजा तिवारी जी के साथ। तो चलिए एक चर्चा की जाए उनके साथ इस गंभीर विषय पर। नमस्कार पूजा जी, वी 24 तास में आपका स्वागत है। आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं और चर्चा होने वाली है बलात्कार विषय पर। ये एक बहुत ही गंभीर विषय बन गया है आजकल हमारे भारत देश में। आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन कितने बलात्कार के केसेस सामने आते जा रहे हैं। भारत में 88 बलात्कार के मामले तकरीबन हर दिन सामने आते हैं। देखा जाए तो 2019 में 32,033 बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं और बाकी के मामलों का अभी तक सरकार के पास कोई खुलासा नहीं है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कि अभी तक जितने केसेस सामने आए हैं, जो रजिस्टर्ड है, उनका ही आंकड़ा सरकार के पास है और देखा जाए तो उससे कई ज़्यादा रेप केसेस, बलात्कार सामने आ रहे हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि आज बहुत तकलीफ हो रही है कि हम इन मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। ये एक बहुत ही दरिंदगी है जो हमारे देश में हो रही है। बदकिस्मती है हमारे भारत में, जहाँ पर हम हमारी नारी को एक माँ, बेटी, बहन, बीवी, हर किसी का सम्मान देते हैं, और आज वही सम्मान देते देते हम ये भूल गए हैं कि हम वो सम्मान देते देने के बाद उनके साथ ये दरिंदगी कर रहे हैं। हमारे समाज में ये सब भूल चुके हैं हम कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। जहाँ हमारी धरती माँ को माँ का स्वरूप दिया है, और वहीं हम जाके हमारी बच्चियों के साथ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ये जो जितने भी आंकड़े आपने मुझे बताए हैं, इनसे कहीं ज़्यादा आंकड़े ऐसे हैं जो मतलब अभी तक रजिस्टर ही नहीं हुए हैं। और इसकी सिर्फ एकमेव कारण ये है कि हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस, ये अगर गंभीरता से इन मुद्दों को सुने, अगर इन गंभीरता से इन मुद्दों की जांच करे, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आपको सामने से सुनने मिलेंगे, जो हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है, जो हमारी बच्चियाँ आज प्रताड़ित है, और जिनको प्रताड़ित हमारा खुद हमारे लोग कर रहे हैं, उनके अपने लोग कर रहे हैं। तो इसका जवाब आज होना चाहिए तो प्रशासन की ओर से होना चाहिए। आपने जो कहा, आपका कहना एक हद तक सही है, पर एक तरीके से आप देखा जाए कि जो आंकड़े हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, यूपी में देखा जाए तो यूपी में आए दिन घटना सुनाई आती है बलात्कार की। यूपी में बीजेपी की सरकार होते हुए भी हर दिन बलात्कार के मामले सामने आते रहते हैं। यूपी में देखा जाए तो भाजपा की सरकार है, ठीक है, और भाजपा की सरकार होते हुए भी इतने मामले क्यों सामने आ रहे हैं? देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बलात्कार का मामला यूपी में है सबसे ज़्यादा। इस विषय में आपका क्या कहना है? मैं आपको ये सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि ये जो हम यूपी की बात कर रहे हैं, तो ये यूपी नहीं, आप महाराष्ट्र में भी देखिए कि रेप केसेस वैसे ही है। सिर्फ आज हम यूपी का नाम इसलिए ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज ये जो बोलते हैं ना, सबसे दरिंदगी वाली चीज़ है, ये हमारे सामने यूपी के तौर पे आई है। नहीं तो ये हर जगह छुपा ली जाती है। और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँगी, हमारे जो वहाँ के मुख्यमंत्री है यूपी के, उन्होंने बहुत सारे ये जो जितने भी इसमें पुलिसकर्मी थे, जितने भी प्रशासन से जुड़े लोग थे, सभी पे इंक्वायरी उन्होंने बिठाई है। ऐसा नहीं है कि सरकार वहाँ पर कुछ कर नहीं रहे, लेकिन कुछ ना कुछ गलतियाँ नीचे लेवल से भी हुई है। हमें ये पता ही नहीं है कि नीचे लेवल पे भी ये सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए थी। और अभी भी मुझे, जहाँ तक मैंने इसके ऊपर ये मुद्दे में पढ़ा है, देखा है, तो इसकी जांच पूरी तरह से निष्पक्ष हो रही है। तो अब देखिए, इसे बीजेपी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नारे को देखा जाए तो 2014 में और 2019 में बीजेपी जीत कर सामने आई, और यूपी में बीजेपी की सरकार है, जिसे आप जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो है
वो बीजेपी से हैं, तो उनकी सरकार होते हुए भी उन्होंने नारा लगाया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब ये नारा आज हमारे सामने हमारे साथ है, कितना बड़ा एक नारा आप जान सकते हैं कि बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। ये नारा यूपी में भी है और वहाँ पर बीजेपी की सरकार होते हुए भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पर इतने बलात्कार के केसेस हर रोज हर दिन सामने आ रहे हैं। तो फिर ये जो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ एक प्रचार था या फिर ये महिलाओं को सिर्फ एक आश्वासन था? क्योंकि वहाँ पर महिलाओं की इज्जत नहीं की जा रही और वहीं पर नारे लगाए जा रहे हैं, प्रचार किया जा रहा है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपका क्या कहना है इस निर्णय पर कि जो ये कहा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये यूपी में सही तरीके से मतलब मान्य किया जा रहा है? ये जो नारा बीजेपी की ओर से दिया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का नारा था। वो चाहते थे कि हमारे देश में कोई भी बेटी ऐसी ना हो जो पढ़ी ना हो, उसको पढ़ाओ, उसको इतना काबिल बनाओ कि कल चल के इन जैसे दरिंदे उनके साथ कोई शोषण ना कर सके। हम लोग इसी आज मोदी जी यही चीज़ों पे चलकर ये चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन आप एक चीज़ें जानते हो कि जो पहले यूपी में जो पहले सारी गंदगी थी, अब धीरे धीरे उसको योगी आदित्यनाथ जी साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करने में थोड़ा समय तो लगेगा ही ना, और ये जो दरिंदे हैं ये अपनी दरिंदगी से बाज आ नहीं रहे हैं, और इसके लिए यूपी सरकार की तरफ से कड़े कदम उठाने की पूरी से पूरी तैयारी है। तो अब देखिए, जैसे आप जानते हैं कि पहले निर्भया हत्याकांड सामने आया, उसके बाद एक हैदराबाद का कांड सामने आया, ठीक है, और जैसे अभी एक नया कांड सामने आ रहा है, आप देख रहे हैं जो चर्चे पर अभी बहुत ज्यादा तरीके से चर्चे पर, ऐसे कई कांड हमारे सामने हमेशा सामने आते रहते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हम आखिरी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। कभी निर्भया हत्याकांड सामने आता, कभी हैदराबाद, ऐसे कई कांड हमेशा हमारे सामने आते रहते, बलात्कार की संख्या बढ़ती जाती है। तो ये जो कांड जो सारे होते हैं, इसको रोकने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक खुद एक समाज कार्यकर्ता हैं, आप हमारे समाज में इतने अच्छे अच्छे कार्य करते, तो आपका क्या प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर जो कांड हमेशा सामने आते, क्या ये कांड रुकेंगे, लड़कियों को इसका हल मिलेगा कि ये इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे? सबसे पहले आपने बहुत अच्छा मुद्दा बताया है, निर्भया हत्याकांड। निर्भया हत्याकांड पे एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ था हमारे सरकार की ओर से, जहाँ तक आपको पता था कि उसमें एक निष्पक्ष जांच हुई थी और सारे आरोपियों को उसमें सजा हुई थी। जहाँ तक हैदराबाद कांड का है, वो भी आप जानते हैं कि उसमें भी सारे आरोपियों के साथ एक सही जांच हुई थी और सही प्रकार से निर्णय हुआ था। और सरकार इस सारे मुद्दों को यानी लगी है कि ये सारे मुद्दे कम हो, और इसके लिए हर एक, आप देखिए पुलिस को दामिनी पदक दिया है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी है कि जहाँ महिलाओं की सुरक्षा बढ़े। पर एक मुझे भी आप लोगों यानी लोगों से निवेदन है कि हमारी भी एक अभिभावक बोल के थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे आसपास हमारे घर में हमारे कुछ लोगों में ये सारी चीज़ें हो रही है, तो हम खुलकर सामने आकर उनको बताएं, हम वो चर्चा में लाए, ताकि ऐसे लोगों को दोषियों को सज़ा हो और उनकी कभी भी कोई सुनवाई नहीं हो। और मैंने देखा है कि ऐसे जितने भी ये सब हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ अपने लोग ही मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो हमको ऐसे अपनों को पहले ख़त्म करना है जो हमारे बच्चों के लिए हमारी बेटियों के लिए दरिंदे बने हैं। तो हम सबसे पहले हमारे समाज को ऐसे अपनों को दूर करना है, और अगर हमारा अपने ऐसी चीज़ों से दूर है और ऐसे दरिंदों से दूर है, तो मुझे मालूम है कि हमारी बेटियाँ सुरक्षित रहेगी और हम हमारी बेटियों की सुरक्षा बराबर तरीके से करेंगे। जैसे आप देखिए अभी हाथरस, ये जो अभी रिसेंट में जो अभी चल रहा है कांड, ये हाथरस इतना बड़ा गंभीर विषय है ये, पर इसका कोई निष्कर्ष किसी के सामने नहीं आया। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी रह जा रही है पुलिस प्रशासन के थ्रू या हमारी सरकार के थ्रू? कहीं ना कहीं एक कमी रह जा रही है जिसके कारण ये जो कांड है ये बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए कोई रोक नहीं है, कोई ये इसकी रोक क्षमता नहीं है, ये बढ़ते जा रहा है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, जो अभी हाथरस चल रहा है हमारे, हाथरस जो कांड इतने गंभीर विषय बन चुका है? ये विषय तो काफ़ी गंभीर है, मतलब आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारी बेटियाँ अगर सुरक्षित नहीं है तो हम उनको घर से बाहर भेजें कैसे। आज ये जितनी भी चीज़ें हैं ये नियंत्रण में लाने के लिए सबसे पहले हमारी जो सरकार है, हमारी जो पुलिस है, और एक हद तक इसमें कैसा होता है कि पुलिस का काम होता है, प्रशासन का काम होता है कि आप ये चीज़ों को सुनो, ये सुनने के बाद गंभीरता से इसको लो, और गंभीरता से लेने के बाद वो आरोपी को बराबर सज़ा हो, यह काम पुलिस का होता है। अगर ये कहीं पर भी थोड़ा भी नहीं हो रहा है तो इसका पूरा का पूरा श्रेय आरोपी लोग उठाते हैं, जो कि कल चल के ये दरिंदगी के लिए बढ़ावा है, और ये नहीं होना चाहिए। आप ये बताइए, जैसे अभी जो दरिंदे हैं
वो दरिंदे बलात्कार करने के बाद कई महिलाओं को जान से मार देते हैं, उनके साथ एक बुरा सलूक करते हैं, किसी के हाथ पैर काट दिए जाएंगे, कभी किसी को जान से मार दिया जाएगा। आप ऐसे कई कई घटना सुनती होगी, तो आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से ये हैवान लोग जो करते हैं, आपको क्या लगता है ये एक महिला इनके लिए खिलौना है या फिर ये एक दरिंदे है जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं? हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये किसी प्रकार से ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि किसी महिलाओं को, अभी आपने जैसे बताया है कि महिलाओं के साथ ये लोग बुरा करते हैं, मैंने देखा है कि इस हद तक भी बुरा करते हैं कि उनको इस तरह डैमेज करते हैं कि वो कभी भी उनका जीवन भी ना बचे। तो ये चीज़ जो ये कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, और इनकी एक उचित कार्रवाई और उचित सज़ा अगर इनको मिले, यानी कोई ऐतिहासिक निर्णय ऐसी भी सज़ा का हो, तो शायद ये चीज़ होगी नहीं। इसके लिए यानी हमारी सरकार ने सोचना चाहिए कि इसके लिए कोई ऐतिहासिक निर्णय दे, ताकि ये आरोपी ऐसी चीज़ करने के पहले 4 बार सोच ले और विचार करें। आप एक खुद समाज कार्यकर्ता है, तो आप हमें ये बताइए कि अगर आप कोई एक ठोस कदम उठाना चाहे इस मुद्दे को, इस गंभीर विषय को रोकने के लिए, तो आप कौन सा एक कदम उठाएंगे? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर, यानी मैं अपने तरफ से कोशिश रहती है कि हर बच्ची हर महिला को इस चीज़ों से अवेयर करना है हमको, कि हमारे बच्चों को हमारी लड़कियों को बताओ वो डरे नहीं ये सब चीज़ों से, सामने आए अगर उनके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, कोई गलत बात कर रहा है, कभी कोई उनको कुछ एहसास से कुछ गलत दिला रहा है, तो वो सामने आए, प्रशासन के सामने आए, पुलिस के सामने जाए कि मेरे साथ ये हो रहा है। और मैं ऐसी ही बच्चों के साथ रोज़ बात करती हूँ कि आप ये सब चीज़ों से डरे नहीं, आगे बढ़िए, और जो भी अगर आप लोगों को मदद लग रही है तो सरकार है इसमें, दामिनी पदक जैसी बहुत सारी चीज़ें हमारी पुलिस की तरफ से दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, धन्यवाद। आपने हमने आपसे जितने प्रश्न पूछे आपने हमें उसे सही जवाब दिया, और मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि जो हमारे दर्शक है, जो हमारी जनता है, उन्हें भी सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, वी24 की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका।